हे मां जगत जननी, त्राहि माम त्राहि माम, सबकी जगत माता, रक्षा करो मां रक्षा करो, मां काली मां महिषासुर मर्दिनी, रक्षा करो मां रक्षा करो, जय हो काली। प्रणाम स्वामी अखंडानंद। बहुत धनवान व्यक्ति हो तुम, विशाल भवन के स्वामी, हजारों लोग तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन तुम्हारा अपना कोई नहीं है। 50 वर्ष की आयु हो गई है तुम्हारी, फिर भी तुम कुंवारे हो। एक मधुर वाणी वाली स्त्री पर तुम मोहित हो। शांत क्यों हो शेखर चक्रवर्ती, मन की बात बोलो। स्वामी अखंडानंद, मेरे बिना बताए ही आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं, एक लड़की के बारे में बताने आया हूँ। उसका नाम शाह अक्षर से शुरू होता है ना, तुम उस पर बहुत भरोसा करते हो, मुझ पर विश्वास करो, कभी परेशानी नहीं होगी। जहां विश्वास होता है वहीं होता है विश्वासघात। अगर तुम उस पर भरोसा करोगे तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसका नाम शर्मिला है, मेरी तरह वो भी अनाथ है, आप ही मेरे मार्गदर्शक है स्वामी। आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे सिर्फ मुझसे प्यार हो, मेरी जायदाद से नहीं। फिर एक दिन वो मुझे मिली, वो बहुत अच्छा गाना भी गाती है। मधुर वाणी में विष भी होता है शेखर, मेरी बात मान और भूल जा उसे। क्षमा करे स्वामी अखंडानंद, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता शेखर, जिस स्त्री से तुम विवाह करने वाले हो वो सही नहीं है, अग्नि भी उसकी साक्षी है, ये विवाह तुम्हारे लिए विनाशकारी है। मैंने आज सुबह ही शर्मिला से शादी कर ली है, और आज रात को ही हनीमून के लिए हम लोग गोवा जा रहे हैं। ओम जय महाकाली, जय महाकाली, जय भद्रकाली। देखा शेखर, भयानक घोर संकट, मेरी बात सुनो बच्चा, इस रात में कहीं जाना उचित नहीं है ना, इस गांव से ही नहीं, इस गुफा से बाहर जाना भी खतरनाक है। ये रात गुजरने दो, ये रात गुजर जाने दो, ये रात तुम्हारे लिए काल है। वो मेरा इंतजार कर रही है स्वामी, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। शेखर गलत कर रहे हो, उचित नहीं कर रहे तुम, भयंकर घटना घटने वाली है इस रात में। कैसी होगी ये रात, कैसे गुजरेगी ये रात, क्या होगा इस रात में? वेलकम 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 मेरी जान। शर्मिला आजकल बड़ी शर्मीली हो गई है ना? जब तुम हंसती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। तुम रो क्यों रही हो? शायद मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, नहीं तो मुझ जैसी मामूली लड़की को तुम्हारे जैसे पति कहाँ मिलता।
हे पागल मत बनो शर्मी, मामूली लड़की कैसे? यू आर माई सोल एंड लाइफ, जस्ट माइन, है ना? मेरी शादी अभी तक नहीं होने का कारण यही है कि मैं अनाथ हूँ। मैं यही सोचा करता था कि जो भी लड़की मुझसे प्यार करे वो मुझसे करे, ना कि मेरी जायदाद से। बट तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को भूल गया। ऑफकोर्स मैं तुम्हारी उम्र का नहीं हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मेरे ख्याल से तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो ना? लव यू लॉट शर्मी। चलती कार में रोमांस करते हो, कुछ हो गया तो? ओके ओके ओके। शर्मी, इतनी रात को हनीमून के लिए कार से जाने वाले कपल केवल हम ही दोनों हैं क्या? किसी को पाने की चाहत मन में हो तो फिर रात क्या और दिन क्या, सब एक जैसे हैं। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी आंखों में छुपी है शर्मी। इसीलिए जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो एक अच्छी कविता निकलती है। पहले कविता सुना फिर मैं बताऊंगी कि अच्छी है या नहीं। चाहे दिन हो या रात हो, दूर हो या पास हो, पर तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। तुम्हारी ये जुल्फें मुझे मदहोश करती हैं। चांद की चांदनी हो या सूर्य की रोशनी हो, ये दोनों ही तुम्हारी आंखों में बसे रहते हैं। और जब भी कहीं खो जाता हूँ तो तुम्हारी आंखों में देखता हूँ और फिर मुझे बहुत सारा प्यार नजर आता है। कैसी लगी? मम्मी बचाओ, कैसे आ गया मैं यहाँ पर? और वो हीरोइन कहाँ चली गई? कितनी खूबसूरत थी, मैंने उसे ठीक तरह से देखा भी नहीं था। कम से कम आंखों को ठंडक तो मिलती। मम्मी मरी क्यों? ये कौन है? रुको। जय हो, जय हो, जय हो। कोई भी प्राणी मेरी इस गुफा में नहीं आ सकता है। फिर तुम कैसे आए? नमस्कार स्वामी, मारो नाम अभय पटेल छे, हूँ फिल्मा मा एक्टर छू। शूटिंग करने के लिए जंगल में आया था और गलती से आपकी गुफा में आ गया। लगता है आप तो आजादी से यहीं पर हो। मैं हूँ स्वामी अखंडानंद। ओ, तो वो आप हैं? आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया स्वामी। बैठ जाओ। मम्मी ने बैठने मना किया, मैं चलता हूँ। कहाँ ना बैठ जाओ। मम्मी मरी गया, बचा मम्मी। गलत जगह आया है तू, कौन बचाएगा तुझे? आप ही बचाओ स्वामी, एक्चुअली मेरी तीन समस्या। क्षमा करे स्वामी, मेरी समस्या को आप जरूर सुलझा दोगे स्वामी। मेरे शूटिंग के मेकअप वाले ने बोला है कि आप अंतर्यामी हो, आंखें बंद करके आप सबके राज बता देते हो, मेरा मतलब सबका भविष्य बता देते हो। मेरे जो फिल्म के प्रोड्यूसर है ना, वो भी आपके बहुत बड़े भक्त है, उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया स्वामी। मम्मी तू अपनी बकवास बंद कर, मैं तुझे लेकर चिंतित नहीं हूँ। मैं तो चिंता कर रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की। शर्मी, हमारा प्यार फिर शादी, सब कुछ अजीब हो रहा है ना? ए शर्मी, इतनी रात को दूर जाना गोवा के लिए, वो भी कार से जाना। मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर, इन सब से दूर। इसीलिए मैं तुम्हें गोवा लेकर जा रही हूँ। शेखर, हम इतनी दूर जा रहे हैं, तुमने पानी लिया है या नहीं? अब इतनी दूर हनीमून पर जाएंगे तो प्यास तो लगेगी ही ना, इसलिए मैंने पहले ही कूल टैब में पानी भर लिया था। नहीं, पर चेक तो करना होगा ना। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि तुम भूल भी तो सकते हो ना। कोई चांस ही नहीं है, मैंने खुद ही अपने हाथों से कूल टैब को भरा था। इसी कूल टैब में पानी भरा है ना? हाँ, ओके। देख लो। ये देखो, इसमें पानी कहाँ है? नो वे, पर मैंने तो पानी खुद भरा था। चलो रास्ते में पानी कहीं भी मिल जाएगा, विल टेक समवेयर। हम इतनी दूर जा रहे हैं, वो भी इतनी रात को, तुमने कुछ खाने के लिए लिया है ना, अगर रास्ते में भूख लगी तो? डोंट वरी, डैशबोर्ड के अंदर देखो, वहाँ बिस्किट्स, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, सब कुछ रखे हुए हैं। अगर नहीं हुआ तो? हो ही नहीं सकता, इस बार मैं श्योर हूँ। इस मामले में भूलने का
कोई चांस ही नहीं है. डू यू वॉन्ट टू सी? ओके. इसका मतलब हमें पानी के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी लेना होगा, है ना? बहुत हिम्मत है तुझमें. सही बोले स्वामी, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ. मुझे बाहुबली 3 ऑफर हुई थी, आपको पता है मैंने फिर भी वो फिल्म ठुकरा दी. अब तो समझ गए होंगे कि मैं कितना हिम्मत वाला हूँ. असल में मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कॉलेज में बबीता से प्यार हुआ, पड़ोस में सविता भाभी से प्यार हुआ, और शूटिंग में कविता से. बबीता सविता कविता, मैं किस किस को प्यार करूं? मम्मी मरी क्यों? अब आप ही बताओ स्वामी, मैं किसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं और किसको नहीं बनाऊं? रुको 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 रुको. क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? इस रास्ते से ज्यादा टाइम लगेगा. ये मेन रोड की जगह अगर इस जंगल से जाए तो हम लोग 3 घंटे पहले पहुंचेंगे. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर इसी रूट से गई थी. तुम सही कह रही हो. 100%. ठीक है, चलते हैं. गाड़ी चलती जा रही है और संकट उसका पीछा कर रहा है. अरे ओ दाढ़ी वाले बाबा, कितना फुटेज खाते हो आप? मेरे बारे में क्या पिक्चर खत्म होने के बाद सोचोगे? अरे कुछ तो सोचो. सोचना तो व्यर्थ है, शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है. तुमने जंगल में प्रवेश किया, मतलब खतरे में प्रवेश किया. बाबा लगता है आपका आग के सामने बैठ के दिमाग गर्म हो गया. तुम्हारे माटे चिल्लम लाऊं? सीधा पॉइंट पे आओ ने. जो होना है हो कर रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता बच्चा. इतनी रात को हम दोनों जंगल से होकर गुजरेंगे? हाँ. अगर कहीं कोई भूत हुआ तो? देखता हूँ. हेलो हेलो भूती, हेलो कहाँ है? हेलो सुनाई दे रहा है? ये भी कोई मजाक करने का समय है? अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? इतने घने जंगल में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. मुझे बहुत डर लग रहा है. ए, शर्मी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था. इतना परेशान क्यों हो रही हो? ए, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? चलो बताओ मुझे कितना प्यार करती हो. बताओ. शेखर. शेखर, गाड़ी रोको. पानी. क्या हुआ शर्मी? उधर पानी है. ओहो, एक तो तुमने रास्ता बदल दिया. अगर हाईवे से ही चलते तो अब तक पानी मिल गया होता. अभी कहाँ मिलेगा? मैंने अभी देखा. एक लड़की पानी की तलाश में उस तरफ गई है. मैंने देखा है उसे. तुम जानती हो अभी रात के 11 बज रहे. इस समय इस घने जंगल में कौन लड़की पानी लेने जाएगी, बताओ? नहीं शेखर, सच कह रही हूँ. वो लड़की उसी तरफ गई है. प्लीज शेखर, मुझे प्यास लगी है. ओके ओके प्लीज. शर्मी, तुम गाड़ी में ही बैठी रहो. वो लड़की इसी तरफ गई है ना? इतनी रात गए कौन है वहां? इस जंगल में कोई है क्या? हेलो, कोई है यहां? कौन है वहां? शर्मी, एक्सक्यूज मी. हमारी अभी भी शादी हुई है. मेरी बीबी वहां कार में बैठी हुई है. बहुत प्यास लगी थी, क्या थोड़ा पानी मिल सकेगा मेरी बीबी के लिए? अच्छा, तो पानी चाहिए?
बीवी के लिए पानी चाहिए। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें पानी की तीन नदियाँ मिलेगी, तो ले लेना। अरे बहन जी, आप क्या बोल रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, अरे कोई पानी देगा प्लीज, हेलो। ईश्वर, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो एक क्षण में दो दो रूप बदलती है। अज्ञानी चक्रवर्ती, तूने उसके लिए बहुत कुछ किया, व्यर्थ है। संकट, घोर संकट आ रहा है। पता नहीं कौन आ रहा है यार, लगता है बाबा जी की कोई गर्लफ्रेंड आने वाली है जो अब तक गुफा में नहीं पहुंची। औरतों को कोई नहीं समझ सकता। भगवान ब्रह्मा भी इस महिमा को नहीं समझ पाए। जैसे ये समझ गया। पानी मिला क्या? उसने बोला सीधे जाओ। सीधे जाओगे तो वहाँ पानी की तीन नदियाँ मिलेंगी। तीन नदियाँ मिलेंगी? समझा नहीं। ये क्या कह रहे हो शर्मी? तुम्हें लगता है कि यहाँ भूत है? यहाँ भूत है? ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने कुछ देखा क्या? बताओ ना मुझे। वहाँ जाने के बाद कुछ ही दूरी पर मुझे वहाँ एक लड़की दिखाई दी। जब उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसके पास एक मटका था। जब मैंने उस लड़की से पानी मांगा, जानती हो क्या बोला? आगे जाओ, वहाँ तुम्हें तीन नदियाँ मिलेंगी। नदियाँ? ऐसा क्यों बोली वो? कुछ गड़बड़ है शर्मी। बाय द वे शर्मी, तुम्हें कुछ बताना था। हाँ? वो एकदम तुम्हारी जैसी दिख रही थी। शेखर, बहुत मजाक करते हो। तुम इतने रोमांटिक हो गए हो कि तुम्हें हर लड़की में मैं ही दिखती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नो शर्मी, ऐसी बात नहीं है। वो तीन नदियों वाली बात क्यों कर रही थी? मैं तो ये सोच रहा था कि वो तुम्हारे जैसे कैसे लग सकती है। ए, take it easy, I'm with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लगता है वो कोई पागल औरत होगी। ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। cheer up, cheer up, मैं हूँ तुम्हारे साथ। Don't worry, चलो अब चलते यहाँ से, चिंता मत करो। हम लोग अब घने जंगल में आ गए हैं ना? हाँ? तो क्या होगा अगर अजीब घटना हो गई तो? ये तो पालतू डॉगी लग रहा है, ये घने जंगल में। मैं भी यही सोच रहा हूँ शर्मी, लगता है कोई उसे छोड़ गया होगा या फिर रास्ता भटक गया होगा। डॉगी आत्माओं को देख सकते हैं, क्या ये सच है शेखर? शर्मी, या तो तुम ऐसा ही सोचती हो या फिर रात को हम इतने घने जंगल में हैं इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। ऐसी बातें मत करो, बकवास है ये सब। वो डॉगी गलती से यहाँ आ गया होगा और कुछ नहीं। अब ज्यादा मत सोचो मेरी जान। शेखर, हम अभी भी इस घने जंगल में है ना? यस। और हमारी गाड़ी की कंडीशन भी ठीक ठाक है ना? नो डाउट, एकदम बढ़िया, ये ब्रांडेड गाड़ी है। अच्छा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ईश्वर, अब क्या होगा इस बालक का? ये क्या हो रहा है शेखर? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ओके, अभी ये ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी तो एकदम ठीक थी, फिर ये अचानक क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इस रास्ते के बजाय मेन रोड से चलेंगे तो शायद ठीक होगा। मेन रोड से जाएंगे तो गोवा कब पहुंचेंगे? इस रास्ते पर चलते रहें तो गोवा हम लोग 3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। शेखर, हम अभी भी इस घने जंगल के बीचों बीच है ना? अरे हाँ,
मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने घने जंगल में पता नहीं वो डॉगी कहां से आया होगा। शेखर प्लीज, हम उस डॉगी को रख लें क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे डर लग रहा है। ये कहां से आया? अब तुम मंदिर ही बैठी रहोगी या बाहर भी आओगी? बाहर आओ। इस शर्मी के बोलने के बाद ही ये डॉगी मर गया। कुछ तो गड़बड़ है। अब सुन लो मैडम, तुम्हें जो भी बातें करनी है करो, लेकिन प्लीज ऐसी अशुभ बातें करना बंद करो जिससे ये अपशकुन हो रहा है। मुझे अब परेशानी हो रही है, प्लीज। ओके ईश्वर, घड़ी घड़ी आग में सू देखो छू स्वामी, घड़ी घड़ी विपत्ति बढ़ेगी। ये बात तो सरस छे। मैं बबीता को छोड़ के कविता के पास जाता हूँ, कविता को छोड़ के सविता के पास, सविता के पास से जब बीवी के पास जाता हूँ तो मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अब आप ही बताओ ये आनंद कहाँ मिलेगा? ये तीन की तिगड़ी कैसे सुलझाऊं बाबा? बच्चा सिर्फ तीन काम नहीं, केवल एक काम करो। केवल एक? मतलब मैं कविता बबीता सविता सबको छोड़ के सिर्फ पपीता बेचूं? बाबा आप टेंशन मत लो, मैं तीनों काम एक साथ करने में माहिर हूँ। तुम सभी काम एक साथ नहीं कर सकते। खतरा खतरा शेखर, मम्मी खतरा। शर्मी, ए, I'm sorry. I'm really very sorry. मेरा कोई भी फ्रेंड मुझसे बात नहीं करता, उनका कहना है कि मेरी जुबान काली है, कहते हैं कि मैं जो भी बोलती हूँ सच हो जाता है, इसलिए वो लोग मुझसे बात नहीं करते, नफरत करते हैं। वो लोग आज भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। पर मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आप भी। I'm sorry, शर्मी, I'm sorry. अरे पगली, मैंने गुस्से में बोल दिया था, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? I'm sorry, देखो देखो मेरी तरफ, I'm sorry. अरे चांदनी ने मुस्कुरा दिया। अब तो तुम ठीक हो ना? गुड, चल। अब तुम ऐसे ही नाराज रहोगी तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा अब है ही कौन? हे ईश्वर, आगे बहुत बुरा होने वाला है, आगे बचाओ शेखर, आगे बचाओ, रुक जाओ, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हा? क्या हुआ शर्मी? बाहर निकलो। क्यों? मैंने कहा बाहर निकलो। ओके 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 ओके। बिना अगर तुम्हें ड्राइव ही करना था तो पहले बोल देती, इस तरह से ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तो उसमें मजा कैसे आता? चलो चलो। बाबा
आप मुझे रुकने को बोल रहे हो या उस शेखर को? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसी माया है? ये माया ही है, आज तक स्त्रियों की माया कोई समझ नहीं पाया, किंतु खतरा अभी तक टला नहीं, घोर संकट है। आपको तो उस शेखर में इंटरेस्ट है, मैं जाता हूँ। रुक जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। लगता है शेर झंगरी। आप बोलते हो तो मैं रुक जाता हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, कार तो अच्छा चला लेती हो। थैंक्स। कहाँ से सीखा तुमने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सीख ली। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही सीख गई ड्राइविंग? ऐसा नहीं है, बहुत पहले मेरे अंकल ने सिखाई थी। लेकिन अब मेरा कोई नहीं है। ओ, कोई बात नहीं शर्मी, अब मैं तुम्हारे साथ। शर्मी, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब? मेरा मतलब, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बोल रही थी। अब तुम्हें ड्राइविंग करते हुए कुछ नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। क्या मतलब? अगर अचानक स्टीयरिंग जैम हो गया तो? इतनी टेंशन में क्यों शर्मी? कुछ नहीं होगा तुम्हें जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ हो रहा होगा तो पहले मुझे होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं साथ हूँ। ओके, बी कूल, बी कूल। अब तो मुस्कुरा दो। ए शर्मी, जब तुम ऐसे चुप हो जाती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हंस दो ना प्लीज प्लीज। हंसने के लिए थैंक्स शर्मी। सुनो शेखर, हमारी गाड़ी अभी भी घने जंगल में है ना? नहीं, जंगल के बीचों बीच में है। बात तो एक ही है ना, ये जंगल आर्मी डिपार्टमेंट में है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पर ऐसा क्यों पूछा? सोचो कितना अच्छा होता इस जंगल में अगर कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी लगी होती। अभी फिर से तुमने क्या सोचा? अभी कुछ नहीं, मैंने सही में कुछ नहीं सोचा। क्या हो सकता है, अचानक क्यों रुक गई ये गाड़ी? ओके, नाउ इट इज ओके। क्या कहा था? मैं हूं ना, ओके, डोंट वरी, गुड। आई एम सॉरी शेखर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो बस यही सोचा था कि अगर हेडलाइट्स बंद हो गई तो क्या होगा। शेखर, अगर सच में मेरी जुबान काली है तो वही होगा जो सोचती हूँ? जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा स्वीटहार्ट, डोंट वरी। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता और तुम भी मत सोचो। मैं कुछ सोचूंगा तो मौसम जरूर बिगड़ जाएगा। तो कोई फीलिंग नहीं, ओनली रोमांस। बाय द वे, अब तुम ऐसा कुछ सोचो ही मत। तुमने कहा था कि कॉलेज के दिनों में तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक करने आई थी, तो तुम लोगों का पिकनिक हुआ कैसा था जरा बताओगी?
कॉलेज के दिनों का मुझे बस इतना ही याद है कि हम सभी फ्रेंड्स एक दिन पिकनिक पर आए थे। बिल्कुल ऐसी ही रात थी, सभी बस में बैठे थे। इतने में हमारी बस के सामने जैसे वो आज डॉगी आया था ना, बिल्कुल वैसे ही उस दिन अचानक से एक बकरी आ गई थी। अब इतने घने जंगल में वो कहाँ से आई किसी को नहीं पता। पास जाकर देखा तो वो बकरी नहीं थी, जंगली भेड़िया था। हमारे ड्राइवर और फ्रेंड्स ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, फिर उस भेड़िये को मार डाला। उसके बाद उसे डिक्की में डाल दिया। पहले तो उसका कलर सफेद था और उस पर काले धब्बे थे। उसके बाद जब हमने देखा तो उसका रंग बिल्कुल ही बदल गया था। अगली रात जब हम लोग जंगल से वापस आ रहे थे तो हमने उस भेड़िये को उसी जगह पर फिर से देखा जहाँ पर उस भेड़िये का एक्सीडेंट हुआ था। जानते हो उसे देखने के बाद हमारे ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। ओके 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 ठीक है, समझे ना? हाँ समझ गया। हाँ कसम से। ओके ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। शेखर, जिस डॉगी को तुमने दफनाया है वो सच में मर गया था ना? अरे मरने के बाद ही दफनाया था, डोंट वरी। पिकनिक वाले भेड़िये जैसा वो नहीं आएगा। ओके। शेखर! क्या हुआ शर्मी, क्या हुआ? डॉगी, वही मरा हुआ डॉगी। डॉगी? ए, अभी तुमने उस पिकनिक वाले भेड़िये के बारे में बात की थी ना, वही तुम्हारे दिमाग में है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। चलो शांत हो जाओ। पशु हो या मनुष्य, नाटक कोई भी कर सकता है। कितना अच्छा नाटक करती है ये। नाटक तो मेरी बीवी भी बहुत अच्छा करती है। उसके ऐसी नाटक को देखकर तो मेरे पापा ने मेरी शादी उसके साथ करवा के मेरा बैंड बजवा डाला, और आज तक मेरी बीवी मुझे बेलन और चिमटे से बजा ही रही है। इस परिस्थिति में हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चा। अरे ओ दाढ़ी वाले बाबा, अभी आपने मेरे बारे में बात की ना? मेरे बारे में नहीं मूर्ख, स्वाहा, उस शेखर के बारे में। अरे ओ शेखर के शुभचिंतक दाढ़ी वाले बाबा, मैं चाइनीज बोल रहा हूँ जो मेरी बात नहीं समझ रहा। मम्मी, पता नहीं क्यों ये फिल्म साइन की। ना ही मैं इस जंगल में आता और ना ही उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ फंसता। पता नहीं वो लड़की थी या लड़का था, कमर देख के फिसल गया। पक्का ना वहाँ कोई नहीं था? यस 101%। डोंट वरी यार, इतना मत सोचो। शेखर, हम लोग अभी भी घने जंगल के बीचों बीच है क्या? चौथी बार पूछा, हाँ है। अचानक हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच रुक गई तो? What is this, Sharmi? Okay. गाड़ी के वायर ढीले हो गए थे, अभी ठीक है। अरे अब क्या हो गया? अरे रुक रुक रुक, बजा कर देखता हूँ कहीं जंगल में पानी मिलता क्या। अभी देख के आता हूँ, ठीक है? तुम यहीं बैठी रहो, मैं अभी आता हूँ। बस मैं अभी आता हूँ शर्मी, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। बस यहीं बैठी रहो, अभी आता हूँ। रुक जाओ शेखर, रुक जाओ। मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा हर कदम तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रहा है शेखर। बच जाओ, बच जाओ तुम। आप कोई ट्रैफिक हवलदार हो जो उसे रोक रहे हो? चुप हो जा मूर्ख प्राणी, शेखर को बचाने की जिम्मेदारी मेरी। शेखर रुक जाओ। मत रुक। शेखर रुक जाओ। नहीं नहीं मत रुक, आगे बढ़ो। कार में ही रहो, कार से मत निकलना। अब एक और बात, तुमने हमेशा ये हो जाएगा वो हो जाएगा यही सोचा है ना? अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो, समझी कि नहीं?
एनीवे, गलती से भी बाहर मत निकलना। ओके ओके, गुड गर्ल। अम्मा, आप इतनी रात को जंगल में? घने जंगल में तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? ये जंगल मेरा है, पूछना तो मुझे चाहिए। तुम यहाँ कैसे? वो ऐसा है, मेरी बीवी को प्यास लगी है और उसका गला सूख रहा है। यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा? शर्मी, अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, सीधे निकल जाओ, बिना मुझे देखे। पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने कहा ना, जाओ, सुनाई नहीं देता, चले जाओ। माँ, काली माता, शेखर प्यार में पागल हो गया है, क्या गलत है क्या सही है समझ नहीं पा रहा। रक्षा करो उसकी माँ, रक्षा करो। जय काली माँ। अगर कार की लाइट बंद हो गई तो? सीडी प्लेयर बंद हो गया तो? शेखर, शेखर, शेखर! ये क्या हुआ? डॉगी कहाँ गया? ये सब क्या हो रहा है? मैं भी गाड़ी से दूर आ गई, गाड़ी भी नहीं मिली तो? शेखर, 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 कहाँ हो तुम? शेखर, 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 क्या हुआ तुम्हें? What? क्या क्या? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पता है मैं कितनी डर गई थी? वो मरा हुआ डॉगी, वो कब से मेरा पीछा कर रहा है? तुम इतना क्यों डर रही हो? कुछ नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गाड़ी से नीचे नहीं उतरना,
मैंने चारों तरफ तुम्हें ढूंढा, जब तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गया। कहाँ है डॉगी, दिखाओ दिखाओ कहाँ है? हा? ये सब तुम्हारा भ्रम है, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, चलो शर्मी, इतनी रात को गोवा जाना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि हम यहीं रुक जाएं, ठीक है? चलो चलो चलते हैं, चलो 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 चलो। शर्मी डर जाएगी अगर उसको बोला तो। शेखर, आता हूँ। चलो चलो चलो, कम, ओके ओके, चलो 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 चलो, आओ आओ, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जय हो भद्रकाली, जय हो। पता नहीं क्या होगा, लगता है ये बाबा मुझे पका के यही मार देगा। अभी तुम्हारी मौत आने में समय है बेटा। शर्मी आओ, तुम क्यों घबरा रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आ जाओ, चलो चलो, कम, डोंट वरी, मैं हूं। इतने घने जंगल में किसका घर होगा, तुम्हें कुछ पता है क्या शेखर? मुझे क्या पता, हेलो हेलो, कोई है क्या? हेलो, लगता कोई नहीं है। हेलो हेलो, अरे चलो, जैसी है। और वो देखो, इसका जन्म 1970 और मृत्यु 1990, इसका मतलब तुम मर गई थी और फिर तुमने जन्म लिया। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। डोंट वरी, डबल फोटो। सच में ना? हाँ, शेखर, हाँ? मुझे लग रहा है। क्या शर्मी, अब क्या हुआ? हाँ? जैसे मैं पहले यहाँ आई हूँ, ये पूरा का पूरा घर, ये चीजें जैसे मेरी ही हो। शांत हो जाओ, ओके, डोंट वरी, मैं हूँ ना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पर इतने बड़े घर में ये बाथरूम कहाँ है? वहाँ है। वहाँ? हाँ? तुम्हें कैसे पता बाथरूम वहाँ पर है? मुझे नहीं पता। ओके, आओ आओ आओ, चलो आओ मेरे साथ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ओके, बाथरूम बढ़िया है यार, पानी चाहिए ना? ए शर्मी, चलो नल चालू करो, चलो ना शर्मी, नहाते हैं। शेखर, सॉरी, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी नहाना। शेखर, शे,
क्या 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 हुआ शर्मी? शर्मी क्या हुआ? शर्मी शर्मी उस खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। ए शर्मी वहाँ पर कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम्हें कुछ भी दिखाई देने लगता है। ओके चलो जल्दी नाओ, जल्दी नाओ, मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है? डरो मत, चलो जल्दी से नाओ, चलो। ओके मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? ओके ओके हाँ। क्या हुआ शर्मी? शर्मी शर्मी क्या हुआ? देखो देखो खून खून है शेखर। ये खून नहीं है शर्मी, इतने दिनों से नल नहीं चला है ना, इसीलिए जंग लग गया है, ये उसी का गंदा पानी निकल रहा है। आप देखो अच्छा पानी आ रहा है ना, ये देखो। अब देखो कितना साफ पानी आ रहा है। नहा लो। हाँ ए अब आराम से, एंड डोंट शाउट, ओके चलो। ओके शेखर चलो ना, दोनों साथ में नहाते इस वक्त। मुझे शर्म आ रही है। शेखर ओके नो शर्म, बताओ मुझे कहाँ से शुरू करें? अभी ये भी मैं ही बताऊं। आ जाओ। शेखर यहाँ कोई है? शेखर मेरे बाबूजी आए होंगे। व्हाट? अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? शेखर संभल कर जाना। क्यों? पहले देखने तो दो। जस्ट टेक केयर, ओके? ओके डार्लिंग, डोंट वरी डोंट वरी, मैं जाकर देखता हूँ, एक मिनट। कौन है? शेखर ये कुलाड़ी ही तुम्हारी मृत्यु है, सावधान, वो कुलाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही है। ए कौन है वहां? ए कौन है रे? कौन है सामने आ? कौन हो सकता है? कोई तो है। ए जय मां भद्रकाली नमः। ये हंसी ही तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है शेखर, ये हंसी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, इससे तुम कैसे बचोगे शेखर? आबरा का डाबरा, जो मुझसे ना डरे उसकी जान को खतरा। शर्मी तुझे समझ में नहीं आता? शर्मी 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 मैं हूँ शर्मी। ओके ओके ठीक है ओके 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 कंट्रोल 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 शर्मी। क्या हुआ था शेखर? क्या हुआ था? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ शर्मी? शेखर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ शर्मी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शेखर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। ठीक है शर्मी 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 ओके ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ, घबराओ मत घबराओ। मुझे छोड़कर मत जाओ शेखर। अरे मुझ पर बाहर किसी ने कुल्हाड़ी से
ओके एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। शांत हो जाओ, डरो मत, मैं हूँ ना, मैं देख के आता हूँ, मैं देख के। एक मिनट शर्मी, एक मिनट कंट्रोल, मैं आ रहा हूँ अभी यार। शेखर, 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 शेखर का जीवन तो समाप्त हो गया, शेखर अब जीवित नहीं रहा, उसके प्रेम ने उसे मार दिया उसे। मैंने उसे चेतावनी दी थी पर वो नहीं माना, उसका भाग्य होनी को कौन टाल सकता है। उस लड़की का अब क्या होगा पता नहीं। आई एम इंस्पेक्टर कृष्णा, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने खून नहीं किया है, ये सच है। इस घर में मेरे और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था, वो तीसरे आदमी तुम हो। मुझे लगता है मेरे पति का खून तुमने किया है। मैंने? हाँ। मैं क्यों मारूंगा? नो वे। मैंने भी नहीं मारा है। मैंने भी नहीं मारा। कृष्णा, हे ईश्वर, जय मां भद्रकाली। ये औरत तो विश्वासघाती है, झूठा प्रेम, प्रेम में धोखा, झूठे प्रेम को तू पहचान नहीं पाया, उसी कारण तेरी मृत्यु हो गई शेखर। रुको, पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद हम कुछ सोचते हैं, ओके? शर्मिला, तुझे समझ शर्मिला में नहीं आता, भाग जा यहाँ से। डर गए ना? ओ। क्यों कृष्णा, डर गए थे ना? डर गया, और मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं डरता नहीं, सब मेरे नाम से डरते हैं। कृष्णा, आ,
ये मैंने ही रखी थी। थैंक्स अ लॉट फोटो सुंदरी। चलो शेखर को तो ठिकाने लगा दिया। फुल टैब में जो तुम लोगों ने पानी रखा था वो मैंने ही निकाला था। फिर मैंने तुम लोगों का खाना भी निकाल दिया। तुम्हें पता है उसके बाद मैं चोरी से छिपकर उस गाड़ी की डिक्की में आराम से लेटा रहा। तुम्हें पता है उस कार की हेडलाइट भी मैंने ही खराब की थी। उसके बाद मैंने मैसेज करके तुम्हें यहाँ का पता बताया। सब आसानी से हो गया। फिर उस मैसेज को फॉलो करते हुए तुम उसे लेकर यहाँ आ गए। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। माय ग्रेट एक्टर। वो सब तो ठीक है लेकिन एक बात बताओ, कार की लाइट बंद करना, सीडी प्लेयर भी बंद करना, वो भी ठीक मेरे सोचने के बाद, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने ये कब किया? व्हाट, तुमने नहीं किया? नो। तो शेखर को कैसे मारा? शर्मिला मजाक बंद करो, शेखर को मैंने नहीं मारा, समझी? कृष्णा, तो फिर शेखर को किसने मारा? मुझे कैसे पता होगा? मैंने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, फिर मारा किसने? इसका मतलब है किसी और ने उसको मारा है। इम्पॉसिबल, यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। तो मारा किसने बोलो कृष्णा? मेरी फोटो तो तुम्ही ने लगाई थी ना? हाँ, तो उस लड़की की फोटो अभी भी वही होगी ना? होगी, पर पूछ क्यों रही हो? शायद उस लड़की की आत्मा इसी घर में कहीं है। छचप, क्या बकवास है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर ये डर गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। शर्मिला, सच सच बताऊं, शेखर को मैंने ही मारा था। सच्ची? यस, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी। अगर शर्मिला ने भी नहीं मारा तो शेखर को मारा किसने? हे माँ भद्रकाली, जन्म और मृत्यु आपके हाथ में है, वरदान देना भी आपके हाथ में। धन्य हो माता, शेखर की आत्मा को जीवन दो। माता जीवन दो। ओम भद्रकाली ओम, जय महाकाली। जय हो जय हो जय हो महाकाली, जय हो जय माँ भद्रकाली। शेखर की आत्मा को जीवित करो माँ, जीवित करो। शेखर चक्रवर्ती की आत्मा को जीवित करो, जीवित करो, जीवित करो। शेखर की आत्मा उठ गई है माँ, ये आत्मा उस दुष्ट औरत से अपना बदला ले गई। जाओ, सच्चे प्रेम का अर्थ उस दुष्ट औरत को बता दो, झूठे प्रेम का विनाश होगा, अवश्य होगा। और ऐसे ही श्री 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 मूर्ख शेखर चक्रवर्ती की कहानी समाप्त हुई। अब तो बता दो शर्मिला, तुमने उसे कैसे मारा? अभी तो तुमने कहा कि तुमने उसे मारा है। मैंने? केस क्यों कर रहे हो? ए, क्या बोल रही हो शर्मिला, कैसा केस? एक मिनट रुको। ए, ये खून कहां से आया? जोर से किस करोगे तो आएगा ना। आर यू मैड, मैंने कब किस किया, मैं तो लाइटर ढूंढ रहा था। शर्मिला मजाक मत करो, सच बताओ, शेखर को तुमने ही मारा है ना? तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना मैंने उसे नहीं मारा, तुमने कहा तुमने मारा है। अरे, वो तो उस वक्त तुम डर रही थी इसलिए मैंने तुमसे कहा, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने भी नहीं मारा, मैंने भी नहीं मारा, तो किसने मारा? मैंने। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कौन है यहाँ? सामने आ। शर्मिला डरो मत, मैं देख कर आता हूँ। नहीं कृष्णा, मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ओके? आई विल बी बैक। शेखर बहुत अच्छे, जो काम तुम्हारा शरीर नहीं कर पाया वो तुम्हारी आत्मा करेगी।
तुम्हारे सच्चे प्रेम ने तुम्हें फिर जीवित कर दिया। अति उत्तम, अब तुम्हारी आत्मा तुम्हारा बदला लेगी। शेखर स्वामी, शेखर तो मर गया और अब आप बेरोजगार हो गए। मेरा मतलब, मैं तो जिंदा हूँ ना, अब आप मेरे बारे में भी तो सोचिए, आपको भी रोजगार मिल जाएगा। उसकी लाश वहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता, जाने दो। सुनो कृष्णा, हमें यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। प्लीज कृष्णा, चलो कृष्णा, प्लीज कृष्णा, यहाँ से चलो। अरे ओ दाढ़ी वाले बाबा, वो शेखर तो मर गया, उसकी आत्मा भी निकल गई, पर मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने एक बात कहनी है, इस आग में देखकर मेरा भी थोड़ा बहुत भला कर दो ना स्वामी। भला हो शेखर, भला हो तेरा। इसको तो उसी की चिंता है, जो सामने बैठा है उसकी चिंता नहीं है। यहाँ बैठे बैठे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा चलता हूँ, मंत्रों में याद रखना। अच्छा चल, रुक जा। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो उस लड़की के पीछे शेखर की तरह तेरी आत्मा भी भटकेगी। मरेगी, मरे बचाओ। ये बाबा शराब नहीं, शराब देता है। ओके बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, मेरी सुनेगा तो जीवित रहेगा। तूने देखा ना कि शेखर का क्या हाल हुआ? अरे क्या देखू इसमें, ये कोई टीवी है क्या जो इसमें देखू? इधर आ, मोर का भी दिखाता हूँ। ओह अच्छा, 3D दिखाओगे? देख अग्नि कुंड में। ओ वाओ, क्या बात है, ये तो सीधा लाइव टेलीकास्ट है। शर्मिला, कार की चाबी, कार की चाबी। वो तो बेडरूम में भूल गई। शिट। यही तो थे, अब कहाँ गई होगी? कहाँ रखती? कृष्णा, क्या हुआ? शर्मिला, बिना चाबी के कार स्टार्ट करनी होगी, चलो। अरे कार की चाबी तो यही है, यहाँ कैसे आई? I don't know. चलो बैठो। कृष्णा, कोई हंस रहा है। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? कृष्णा, मुझे डर लग रहा है। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा प्लीज यहाँ से चलो। कृष्णा, शर्मिला मेरी बात तो सुनो प्लीज, अब कार को छोड़ो, यहाँ से चलो। चलो ईश्वर, जय माँ भद्रकाली। बारिश तो रुक गई, अब जंगल सताएगा। बात बात पे भड़क जाते हैं। ये बाबा तो एटीट्यूड दिखा रहा है अभी। कुछ देर मैं भी बैठा तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। बाबा, लगता है बाबा की भी अपनी पर्सनल अफसर आए हैं। आवाज से लग रहा है कोई फिल्म की हीरोइन छे। बाबा की गुफा में साक्षात स्वर्ग। अभी डुबकी लगाता हूँ, गहराई ज्यादा है। क्या हुआ मूर्ख, पिंजरे में पड़े कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है तू? क्या हुआ? भूत स्वामी, भूत। वो कोई और नहीं, कामिनी का भूत है वो। कामिनी का भूत? जहाँ मैं रहूंगा वो वही रहेगी। यहाँ मनुष्यों का क्या काम? मेरी भभूत की वजह से तू अभी तक जीवित है। थैंक यू बाबा। वरना तेरी आत्मा तेरा शरीर छोड़ के चली गई होती। अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बाबा, मैं यही बैठूंगा। जा बैठ जा। डर के मारे मेरी पैंट गिली होगी। जय महाकाली। Thank you.
क्या हुआ? Are you okay? Come. शर्मिला। शाबाश शेखर, तुमने अपनी बुद्धि और माया से उनको सही सबक सिखाया। शर्मिला, कहाँ हो तुम? स्वामी। कौन? शेखर चक्रवर्ती। प्रणाम स्वामी, मुझे शर्मी से बात करनी है। ए शेखर, अभी तुम आत्मा बन गए हो, वो अब भी तुम्हें पसंद है। तुम आत्मा के रूप में उसे देख सकते हो और बात भी कर सकते हो। जाओ, ओम हिम क्लीम जगत जननी, आत्मा धरती परा। वो गया ना स्वामी? हाँ, वो गया शर्मिला के पास। शर्मी, प्यार तो दो आत्माओं का मिलन है, दोनों की भावनाओं का सुंदर अनुभव है। प्यार का मतलब एक दूसरे के लिए बलिदान देना होता है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया शर्मी, बहुत प्यार किया। इस दुनिया में किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना मैंने तुम्हें प्यार किया। शर्मी, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। शायद मेरा अगला जन्म तुम्हारे बच्चे के रूप में हो। ए शर्मी, 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 क्या तब भी मुझे नहीं अपनाओगी या फिर मुझे तुम छोड़ दोगी? मैंने क्या गलत किया है शर्मी, क्या गलत किया है? हाँ? बताओ। चलो, रात गई बात गई। जानती हो शर्मी, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ शर्मी, बहुत 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 चाहता हूँ। कृष्णा, 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 शर्मिला, कृष्णा, शर्मिला, कृष्णा, शर्मिला, कृष्णा, क्या हुआ? मैंने शेखर को देखा, उसने मुझसे बात की। कृष्णा, वो हमें मार देगा। शर्मिला प्लीज, मैं यहाँ से भाग रही थी और यहीं गिर गई। शेखर ने मुझसे यहीं बात की। कृष्णा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। चलो चलो यहाँ से, कोई नहीं चलो भाग चलते। कृष्णा चलो, शर्मिला चलो। डोंट वरी शर्मिला, भद्रकाली। ये दुष्ट औरत तो रो रही है छोटे बच्चे की तरह। ऐसी चालाक औरत के तो भाग्य में यही लिखा था, ये उसी का परिणाम है। तो इस जंगल में भटकती रहेगी। यहाँ कहीं कृष्णा दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं शर्मी को एक बार और देख सकता हूँ स्वामी? शेखर चक्रवर्ती, तुम उस औरत से फिर बात करना चाहते हो? वो बहुत दुष्ट औरत है। इंसान के रूप में वो पिशाचनी है,
ठीक है, मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला, जाओ जाओ जाओ, उससे बात करो, जाओ। सच्चे प्यार से प्यार ही करना चाहिए। प्यार एक अद्भुत अनुभव है। देवदास ने पारो से प्यार किया, रोमियो ने जूलियट से प्यार किया, हीर ने राजा से प्यार किया, और इसके बाद इस संसार में वैसा ही प्यार मैंने तुमसे किया। मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार अनंत है। इस धरती से ज्यादा, इस पाताल से ज्यादा, आकाश से भी ज्यादा तुमको प्यार किया। ऐसा प्यार करके गलत किया क्या शर्मी? मैं चिल्लाकर सबको बताऊंगा, इस धरती के सभी मनुष्यों को, पूरे ब्रह्मांड को बताऊंगा कि शर्मी को मैंने अपने आप से भी ज्यादा प्यार किया है। यमराज के सामने खड़े होकर भी ये बताऊंगा कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया शर्मी, कितना प्यार किया। लेकिन तुमने मुझे मारा है ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये शेखर किसी को ये नहीं बताएगा, क्योंकि शर्मी मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं, अब भी प्यार करता हूं, अब भी प्यार करता हूं, करता रहूंगा। शेखर मुझे नहीं छोड़ेगा, शेखर मुझे नहीं छोड़ेगा। कृष्णा, 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 कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ कृष्णा? उठो कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ कृष्णा? मैं नहीं जानता, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया, और फिर गिरने के बाद तुमने देखा ना कि ये दोनों जंगल में कैसे फंस गए? हाँ देखा, लेकिन बोर हो गया हूँ। अब क्या पूरी पिक्चर ऐसी ही दिखाओगे? और नहीं तो क्या? बाबा मेरी वो तीन समस्या याद है। तेरी समस्या क्या है बता? एक ही बात को कितनी बार टेलीकास्ट करूँ स्वामी? चलिए मैं आपके लिए फिर से रिकैप कर देता हूँ। बबीता कविता, वो भाभी सविता। चुपचाप अपनी समस्या बता, उनका नाम क्यों ले रहा है? नाम में ही तो सब कुछ है स्वामी। दरअसल बात ये है कि मुझे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए भंगारवाड़ी जाना है, और मुझे डर ये है कि वो तीनों कहीं किसी और की ना हो जाए। वही तीनों गर्लफ्रेंड, कविता, सविता, बबीता। मेरी पत्नी काफी समय से माता के मंदिर जाना चाहती है ना? वो कोई समस्या नहीं है स्वामी। यही है तेरी समस्या। अगर तू अपनी पत्नी के साथ माता के मंदिर मन्नत पूरी करने गया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आई लाइक इट स्वामी। अगर तू शीघ्र ही देवी के दर्शन करने मंदिर गया तो तेरा आगे का जीवन बहुत उज्जवल हो जाएगा। अगर मैं वहाँ दर्शन करने गया तो मेरी सारी फिल्में सुपर हिट होगी? अवश्य। इसका मतलब दौलत, शोहरत। ज्यादा लालच मत कर बच्चा। मतलब हर तरफ सिर्फ मेरे ही चर्चे होंगे। हाँ तथास्तु। तब तो मैं भी अपनी पसंद की हीरोइन चुनूंगा, रोमांस करूंगा, उलाला करूंगा। आया बाबा कहाँ गया? शर्मिला, इस जंगल में भटकने से तो अच्छा है रात को यहीं रुक जाते हैं। आज रात हम इसी घर में रुक जाते हैं। कृष्णा, अब नहीं। मेरी बात सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं है। जंगल में भटकने से अच्छा यहीं रुक जाते हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना कृष्णा। कम Hey! कौन है? ये डॉगी। कृष्णा!
शर्मिला क्या हुआ? शर्मिला क्या हुआ? डॉगी क्या हुआ? कृष्णा मैंने बोलो। जो डॉगी मर गया था ना, मैंने अभी उसे देखा, वो अभी भी जिंदा है और यहीं कहीं है। वो देखो शर्मिला, रिलैक्स। इस डॉगी को मैं ही यहां लाया था, ऐसे दो डॉगी लाया था। ओके, यू डोंट वरी, तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, वन सेकेंड, टॉमी कम। ये जानवर भी अपनी माया दिखा रहा है। तुम इसकी माया का पर्याप्त लाभ ले सकते हो शेखर। कम, देखो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। आओ। टॉमी बैठो। शर्मिला वन सेकेंड, क्या हुआ? ये डॉगी हंस रहा था। डॉगी पागल हो गई हो क्या? टॉमी कैसे हंसेगा? हाँ सच्ची, ये डॉगी हंस रहा था। अरे तुम्हारा दिमाग। शर्मिला तुम यही रहो, डोंट वरी। इसे निकाल के फेंकता हूं। उस औरत की आत्मा भी शेखर का साथ दे रही है। शेखर जैसा जैसा चाहता है, उस औरत की आत्मा वैसा वैसा करती जा रही है। शर्मिला 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 व्हाट आर यू डूइंग शर्मिला शर्मिला छोड़ो इसे, शर्मिला स्टॉप इट, पागल हो गई तुम शर्मिला, शर्मिला क्या कर रही हो? छोड़ो इसे शर्मिला, छोड़ो इसे। Oh!
की वजह से पागल होती जा रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम कैसी कैसी हरकतें कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं हूं। क्या हुआ? कूल डाउन शर्मिला, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज शांत हो जाओ। हमारी कहानी खून से लिखी है, सब कुछ यही खत्म हो जाएगा, कोई यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाएगा। शेखर ने मुझसे प्यार किया और उसे भी मार दिया, अब शेखर की भटकती आत्मा हमें मार देगी। पैसा, प्यार, धोखा, मौत, जो कुछ भी हुआ, ये रात सब कुछ जानती है। मैंने जो प्यार का नाटक किया सब गलत था, इस रात से हम नहीं बच सकते। आज इस काली रात में हम मरकर दफन हो जाएंगे। मार दूंगी तुझे, मार दूंगी मैं, मार दूंगी। शर्मिला, ईश्वर। स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुझे कुछ नहीं करना है बालक, जब तक मैं यहाँ हूँ तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो चिंता मत कर, कामनी तेरा कुछ नहीं कर सकती। इसका उपाय है मेरे पास, ये धागा तेरी रक्षा करेगा, बांध लो इसे। हाँ? कोई भी आत्मा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अरे अब देवी तो स्वामी, ये तावीज मुझे मौत से बचाएगा ना स्वामी? मुझसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन तेरा जीवन बदल जाएगा। ओह, फिर ये तावीज आपको शेखर को भी देना चाहिए था। और क्या? सत्य वचन बोला बच्चा। जय माँ भद्रकाली, माँ उस पर कृपा करना। शर्मिला, शर्मिला, मार दूंगी तुझे, मार दूंगी मैं। शर्मिला, क्या हुआ तुम्हें? पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो शर्मिला? तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो पागल हो जाओगी, प्लीज रिलैक्स। प्लीज रिलैक्स। हाँ?
कृष्णा हमने बहुत गलत किया, सही में बहुत गलत किया। वो आत्मा हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। वो हमें मार देगी। वो शेखर बहुत अच्छा आदमी था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, और मैंने क्या किया, उसे जान से मार दिया। अब उसकी आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और उसका कारण तुम हो, सिर्फ तुम। hey! इतनी भोली मत बनो तुम। शेखर के मर्डर में जितना मेरा हाथ था उतना तुम्हारा भी। इस मर्डर प्लान में तुम भी उतनी ही शामिल हो, समझी? हाँ, हमने ये पैसे के लिए किया है, लेकिन दोनों ने मिलकर किया है। आत्मा मार देगी, आत्मा मार देगी, कब से यही बोल रही हो? आत्मा आत्मा आत्मा, कहाँ है आत्मा? आत्मा भूत, वो भी इस जमाने में? शर्मिला, तुम ऐसी चीजों को मानती हो, ये बात बड़ी अजीब लग रही है। तुम्हें ये बातें सब अजीब लग रही है ना? तुम्हें क्या पता मौत के बाद इंसान का क्या होता होगा? ये कोई भी नहीं जानता। Come on, speak out. इसका कोई उपाय नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ। ये आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी, मार देगी। तुमने वो फोटो देखी ना? उस औरत की आंखों में खून है, और यही सच है। ये सब उस फोटो की वजह से हो रहा है ना? पहले तो उस फोटो का ही कुछ करना होगा, अभी उसे उठाकर फेंकता हूँ। यहाँ से फोटो किसने निकाला? उस फोटो को किसने हटाया वहां से? दम है तो सामने आ मेरे। हे! सामने आ, छुप कर रहा है। अच्छी आत्माएं हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। स्वामी, फिर से मेरी पैंट गीली हो रही है। शेखर के साथ क्या हो रहा है, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या बाबा, शेखर शेखर, जब से आया हूँ इस हवन कुंड में शेखर की बायोपिक देख रहा हूँ। मेरी पिक्चर कब रिलीज करवाओगे? बस ये धागा दे दिया। धागा तुम्हें दिया है ना, समय आने पर प्राप्त होगा। शर्मिला, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, twinkle twinkle little star. Sharmila, Sharmila, what happened? क्या हुआ? What you are? Sharmila, क्या हुआ? Krishna, उस खिड़की से एक भयानक राक्षस आया था। उसने गाना गाने को कहा और कहा कि गाना सुन के चला जाएगा। शर्मिला, उठो। ए! औरत को क्यों डराता है? सामने क्यों नहीं आता? दम है तो यहाँ मेरे सामने आके दिखा। आना! शर्मिला, शर्मिला,
शर्मिला, शर्मिला तुम ठीक हो ना? Hey! कौन कर रहा है ये सब? दम है तो मेरे सामने आके दिखा। एक पुलिस वाले के साथ मजाक करता है, डरपोक कहीं का। बस तू एक बार मेरे सामने आके दिखा, फिर बताता हूं तुझे। हाय प्यारे दोस्तों, मैं जिंदा हूं। खेल कैसा लगा? ए, तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, लेकिन जो डराने का यह घटिया तरीका अपनाया ये काम नहीं आया। जो मैंने किया, जो तुमने देखा, यही असली तरीके होते। अरे नालायकों, जब शेर भूखा होता है तभी हमला करता है, और वही शेर जब शांत होता है तो खेल खेलता है, फिर हमला करता है, और यही सब मैंने भी किया। खेल कैसा लगा? आप बताओ मिस्टर कृष्णा, ये जो तुम्हारी रिवॉल्वर है वो तो असली है, पर गोलियां निकली थी, ये देखो असली गोलियां। पर मेरे पास जो रिवॉल्वर है असली है, और गोलियां भी। चलो, तुम्हारे प्लान का कैसे पता चला बताता हूं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती कृष्णा, डू समथिंग। शादी भी हो गई, उसे मारना ही होगा, वो बूढ़ा हो चुका है, हम लोग उसे डरा कर ही मार देंगे। तुमने कहा था उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद हमारी होगी, पर देखो वो तो मरा नहीं लेकिन मुझे मार देगा। कुछ करो कृष्णा। डोंट वरी शर्मिला, अब डराना नहीं है, सीधे उसको मारना है। अब वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं जैसे जैसे तुमको कह रहा हूँ तुम वैसे ही करती रहो। मैंने सारी तैयारी कर ली है, जब वो यहाँ आए तुम अजीब सा रिएक्ट करती रहो। ओके ओके, चलो ऑल द बेस्ट कृष्णा। हम दोनों एक कब होंगे? वेरी सून। ओके, धोखे का बदला धोखे से लेना होगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यस। और इस तरह मैंने तुम्हारे पूरे प्लान को जान लिया, तुम्हारे लायक खून को मैंने इस्तेमाल किया, तुम्हारे डॉगी का भी मैंने इस्तेमाल किया, शर्मी की साड़ी भी मैंने इस्तेमाल की, तुम्हारे खोदे हुए गड्ढे में आखिर तुम खुद ही गिर गए। अरे मैं अनंत हूं, प्यार के लिए तड़प रहा हूं, मैं लालची हूं, क्योंकि 50 साल का होने के बावजूद मैंने 25 साल के कमसिन और खूबसूरत लड़की से प्यार करने की गलती की, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, ये भी गलत है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्यार में धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम दोनों गए। प्लीज ना शेखर, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। धोखेबाजों। सॉरी शर्मी, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया इसलिए तुम्हें नहीं मारूंगा, बट तुम जीने के काबिल नहीं हो। हाँ कृष, कृष्णा, मैंने तुम्हारे डीजीपी से भी बात की। अरे तेरी हवलदार की भी औकात नहीं है और तू खुद को इंस्पेक्टर बोलता है। सारे शर्मी, तुम किसी और से प्यार करती थी, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? अगर प्यार से ही मुझसे मांग लिया होता तो जरूर दे देता, लेकिन मेरे प्यार का मजाक बनाकर मुझे धोखा देना, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं थी। देखो
तुम्हारे कृष्णा ने जो किया उसके लिए उसे ऊपर भेज दिया। मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या कर सकता था। वैसे भी सच्चे प्यार को तुमने बदनाम किया है, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। बाय। सॉरी। सच्चे प्यार को तुमने बदनाम किया, इंसान कहलाने के लायक नहीं। हाय टॉमी, तो अब चले। शर्मी, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हेलो डीजीपी सर। सर, मैं शेखर चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। मैं अब निकल रहा हूँ। बदकिस्मती से दोनों ही मारे गए। कम एंड कलेक्ट देयर बॉडीज। थैंक यू। हाय टॉमी, चलो टॉमी, चलो यहाँ से, लेट्स गो। आपके ताबीज ने मुझे बचा लिया खंडानंद जी, धन्यवाद। माँ काली माता, इस तरह उसने अपने आप को मार दिया। धन्य हो तुम माता। मेरे दिए हुए रक्षा कवच से शेखर ने अपनी जान बचा ली और उनको मार दिया। तुमने देखा? अच्छे से देखा। आप बहुत महिमावान हैं। माँ भद्रकाली की जय हो। शेखर, आगे बढ़ो। रात खत्म होने वाली है, अंधकार का अंत होने वाला है। विजयी भाव।